ग्रैंड फिनाले में इस सीजन के विनर का ऐलान हो चुका है। बीबी 16 की ट्रॉफी एमसी स्टैन अपने घर ले गए हैं। उन्होंने प्रियंका चाहर चौधरी, शालीन भनोत, अर्चना गौतम और शिव ठाकरे से कम्पीट कर विनर का खिताब हासिल किया। एमसी स्टैन को ट्रॉफी के साथ 31,80,000 रुपए और एक कार भी मिली है। सोशल मीडिया पर कयास लगाए जा रहे थे कि बिग बॉस 16 के विनर प्रियंका या शिव ठाकरे होंगे, लेकिन शिव ठाकरे रनर अप बने हैं। क्या विनर एमसी स्टैन की निजी जिंदगी के बारे में जानते हैं? आज हम बात करेंगे उनके आम जिंदगी से बिग बॉस 16 के विजेता बनने तक के सफर की। एमसी स्टैन, असल नाम अल्ताफ शेख। एमसी स्टैन, जिन्हें लोग रैपर, सिंगर, राइटर और कंपोजर के तौर पर भी जानते हैं, साल 2019 में अपने सॉन्ग खुजामत से लोगों के बीच मशहूर हो गए थे। स्टैन का बिग बॉस के घर में आने और ट्रॉफी जीतने का सफर तो हर बिग बॉस लवर ने देखा। रियलिटी शो में रोलर कोस्टर जैसी उनकी जर्नी की तरह ही उनकी लाइफ भी रही। शो के दौरान कई बार उनका इन्वॉल्वमेंट कम देखा गया। उनकी उदासी, परेशानी, उनके वॉलंटरी एग्जिट लेने का डिसीजन, बहुत लोगों को ऐसा लग रहा था कि शायद कोई और कंटेस्टेंट जीतेगा। लेकिन जिस शख्स ने जिंदगी में मुश्किलों से हार नहीं मानी, वो भला शो में कैसे हार का सामना कर सकता था। 23 साल के एमसी स्टैन ना जाने कितने लोगों के चहेते बन चुके हैं। महंगी महंगी चीजें पहने दिखाई देने वाले एमसी पर एक समय पर गरीबी की मार भी पड़ी थी। उनके पास पैसे नहीं थे और उन्हें सड़कों पर रातें गुजारनी पड़ी थी। पढ़ाई में खास रुचि ना होने और म्यूजिक में दिलचस्पी होने की वजह से उन्हें ताने भी सुनने पड़ते थे। उन्होंने अपने कई गानों में अपनी जिंदगी और स्ट्रगल की कहानी बताई है। उनके गाने वाटा ने भी लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचा। एमसी स्टैन हिप हॉप इंडस्ट्री के जाने माने चेहरे हैं। हिप हॉप के अलावा उन्हें बीट बॉक्सिंग और बी बॉइंग भी आती है। एमसी स्टैन की एल्बम तड़ीपार उनके करियर के लिए मील का पत्थर साबित हुई थी। एमसी स्टैन आने वाले वक्त में अपनी गर्लफ्रेंड अनम शेख से शादी कर सकते हैं। दरअसल रैपर एमसी स्टैन की मां ने शो में बताया था कि जल्द ही स्टैन और उनकी गर्लफ्रेंड अनम शादी करेंगे। एक किस्सा भी काफी दिलचस्प है। शो में जब सलमान खान ने स्टैन से उनकी लव स्टोरी के बारे में पूछा तो स्टैन ने बताया कि उसके यानी अनम के घर करीब 30-40 लोग रिश्ता लेकर गए थे। वहाँ लोग पूछने लगे कि क्या हुआ। जवाब में उन्होंने बताया कि वो रिश्ता लेकर आए हैं। इस दौरान स्टैन ने अनम के पेरेंट्स से कहा, चुपचाप उसका हाथ मेरे हाथ में दे दो, नहीं तो भगा कर ले जाऊंगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। साथ ही इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें।